सिस्टर का नाम रेखा है, जो अमृतसर वेरका शहर के रहने वाले हैं। जिस सिस्टर की गवाही ये है कि जी सिस्टर के बेटे की गवाही है, और जिस सिस्टर के बेटे की गवाही ये है कि इसके जो दांत हैं वो सड़ चुके थे, काले पैच पड़ चुके थे। और जैसे जी सिस्टर फर्स्ट टाइम इस संगति में, इस चर्च में मीटिंग को अटेंड किया, तो जैसे प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, तो इस बेटे के लिए जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे दुखियों बीमारों के लिए, तो प्रभु के आत्मा में इस बच्चे के लिए प्रोफेसी हुई, क्योंकि छोटा बच्चा है जिसके ऐसे दांत सड़ चुके हैं, काले पड़ चुके हैं। तो उसी समय जे बेटा था, और हम उस क्लिप को भी देखेंगे, वो प्रोफेसी हुई थी इस बच्चे के लिए। आओ हम इस क्लिप को देखते हैं। किसी का छोटा बच्चा है, उसके दांत पूरी तरह सड़ चुके, वो बच्चा है कितने साल का है ये मुझे नहीं पता, पर वो बच्चा है, उसके मुंह के दांत पूरे काले हो चुके, सड़ चुके किसी वजह के कारण, पर परमेश्वर का आत्मा उसे शूर आए। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा उसे शूर आ रहा, वो हील हो रहा, वो अच्छा हो रहा, वो अच्छा हो रहा। विश्वास करो, विश्वास करो। प्रभु के दास के मुख से इस बच्चे, इस बेटे के लिए प्रोफेसिव वर्ड आया, तो हम देख सकते हैं इसके प्राणी पिक को देखेंगे, जहां पर इसके दांत पूरे सड़ चुके थे, काले पड़ चुके थे, हम उस प्राणी पिक को भी देखेंगे। तो पहले इसके दांत ऐसे थे, पूरे सड़ चुके थे, और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से इस सिस्टर ने इस वर्ड को रिसीव किया, तो जो इसकी अब वाली पिक है, जो परमेश्वर के आत्मा ने जैसे इस बच्चे को छुआ, और अब इसके जो दांत है परमेश्वर ने अच्छे किए, अब हम उस पिक को भी देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो इस बच्चे के दांत सड़ चुके थे, और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से जो प्रोफेसी हुई थी कि इस बच्चे के दांत सड़ चुके, काले पड़ चुके हैं, तो अब हम उन दोनों पिक को इकट्ठी देखेंगे कि कितना डिफरेंट है। तो हम देख सकते हैं कि आज परमेश्वर ने इस बेटे के दांतों को पूरी तरह से अच्छा कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया इस गवाही के लिए। सुनो। यहाँ पे वचन पूरा होता है कि यहाँ कहीं पे उसका आत्मा है, वहां पे क्या है? आजादी। क्या है? आजादी। इसके लिए अपने, इस चीज के लिए आपने इलाज कराया, डॉक्टरों के पास कहीं पर गए? सुनो, मैं एक चीज जानता हूं, अगर ये इस चीज के लिए इन्होंने अपना विश्वास बनाकर रखा, क्या रखा? विश्वास बनाकर रखा, अपने मन को ढावा डोल नहीं किया। जैसे आज इंसान क्या, वो एक बार दो बार देखेगा, क्या देखेगा? एक दो बार देखेगा, अगर उसका काम हो गया तो ठीक है जी, चार बार देखेगा, जो और बार देखेगा, पर ये बने रहे, क्या रहे? और अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे कि नहीं, परमेश्वर आप सब कुछ अच्छा कर चुके। हाँ, देखो अभी इसकी एज कितनी है, इसकी उम्र कितनी? 6 साल का है। 6 साल की एज में अगर, क्योंकि बुढ़ापे में तो सबके दांत ऐसे होने ही, ये 6 साल में इसके पूरे दांत देखा अपने पिक में, बुरी तरह से क्या हो चुके, सड़ चुके थे, काले पड़ चुके थे पूरी तरह, और आज आपने देखा पिक में पूरी तरह से परमेश्वर ने क्या कर दिए, चंगे कर दिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने कहा, हे मनुष्य, मैंने बड़ी सामर्थ्य से इस पृथ्वी और आकाश को बनाया, और तेरा काम मेरे लिए कोई भी पड़ा नहीं है। क्या नहीं है? और सच में जब हम अपना पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर बनाई रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बोलता है। क्या करता है? बोलता है, बोलता है। हाँ, क्या करता है बोलो? बोलता है। जैसे हम सॉन्ग भी आते हैं ना,
यीशु बोलता बोलता यीशु मेरा बोलता है, सच में वो अपने लोगों के लिए बोलता है और आजाद करता है, हील करता है, अच्छा करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से।